हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा, यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मार्च थर्ड वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर इसके पहले मतलब मार्च मंथ और फरवरी मंथ के आपको करंट अफेयर के वीडियो देखना है तो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो सिलेक्शन वाला एक डिफाइनिंग वाला जो रोल है वो यही प्ले करता है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स। आपको पता होगा नाटो का नाम आप सभी ने अभी सुना होगा। नाटो जो रूस और यूक्रेन की जो जड़ है, एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, नाटो जो युद्ध हो रहा है उसकी जड़ जो है वो है नाटो। तो नाटो ने अभी एक कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 एक एक्सरसाइज चालू किया है, एक सैन्य अभ्यास चालू किया है। तो वो किस देश में शुरू किया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाटो ने कोल्ड रिस्पॉन्स नाम से एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है तो किस देश में किया, इन विच कंट्री हैज़ द नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 इज स्टार्टेड। आपको बताना है नाटो ने कोल्ड रिस्पॉन्स कहाँ शुरू किया है। तो आपको कुछ बातें नाटो के बारे में जरूर याद रखना है क्योंकि अभी ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। आपसे इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई या नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इतनी चीज़ें कम से कम आपको याद रखना है। नाटो की स्थापना आपको याद रखना है 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसमें अभी टोटल 30 मेंबर है, 30 सदस्य देश है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि इसकी राजधानी कहाँ पर, तो आपको याद रखना ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी राजधानी है, हेडक्वार्टर है इसका। हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 30 मेंबर है इसके। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ सकता है क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें आधी जड़ मतलब एक तरीके से देखा जाए कारण क्या है तो नाटो ही है। नाटो के कारण ही वो जो वॉर हो रही है उसका एक मेन रीज़न है नाटो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है नाटो ने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ पर स्टार्ट किया है, तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा नॉर्वे में नाटो ने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 स्टार्ट किया है। चलते अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जो जारी कौन करता है आपसे पूछेगा तो संयुक्त राष्ट्र इसे जारी करता है। इसमें भारत की रैंक कौन सी, भारत के रैंक के बारे में पूछ रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो जारी रैंक है इसमें कौन से नंबर पर रहा है। आपको बताना है कि भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन से नंबर पर रहा है, मतलब खुशहाली की जो रैंक है उसमें भारत कौन से नंबर पर रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब बनता है 136 नंबर पे। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जो रैंक होती है, बहुत सारी जो रैंक जारी की जाती है समय समय पर पूरे साल भर में, वो रैंक आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको याद रखना है जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें जो भारत की रैंक है वो 136 है। 136 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ये जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हाल ही में पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। ई विधान एप्लीकेशन नाम याद रखना, ई विधान एप्लीकेशन। देखो इसमें होगा क्या, ई विधान एप्लीकेशन में जो पूरी विधानसभा है उसमें जो भी विधायक बैठेंगे उनकी जो टेबल रहेंगी उनकी सभी की टेबल पे टेबलेट लगा दिया गया है, मतलब जितने भी विधानसभा में विधायक बैठेंगे सभी के पास एक टेबलेट रहेगा, इसको नाम दिया गया ई विधान एप्लीकेशन। उसमें ई विधान एप्लीकेशन चलेंगी। तो कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली राज्य विधानसभा कौन सी बन गई है, मतलब विधानसभा में क्या होगा, सभी विधायक के टेबल पे एक एक टेबलेट लगा रहेगा। तो आपको बताना है ऑप्शन से आपके त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम या केरला, कहाँ पर ई विधान एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का नाम भी याद रखना है, कई बार पूछने का कहाँ पर या इसका सही जवाब बनेगा नागालैंड। नागालैंड में कौन सी एप्लीकेशन चालू की गई, तो ई विधान एप्लीकेशन। इसका अपोजिट पूछेगा ई विधान एप्लीकेशन कहाँ पर शुरू की गई है, तो नागालैंड में सभी विधायक की टेबल पर एक एक टेबलेट लगे रहेंगे वहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO कौन बने हैं। ये अपॉइंटमेंट से एक तरीके का क्वेश्चन है, इस फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO हाल ही में किसे बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनता है प्रशांत झावेरी को फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का नया CEO बनाया गया है। फ्लिपकार्ट का नहीं बोल रहा है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का नया CEO प्रशांत झावेरी को बनाया गया। प्रशांत झावेरी, आपको नाम याद रखना है, प्रशांत झावेरी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से दिन को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए आप सभी को बताऊंगा, हाल ही में 22 मार्च को क्या मनाया गया, विश्व जल दिवस मनाया गया। इसका अगर थीम पूछता तो आपको याद रखना है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। अगर थीम पूछेगा तो याद रखना है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। और अगर पूछता है कब मनाया गया, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया गया, मालदीव गवर्नमेंट द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया गया? तो देखिए इसके ऑप्शन है आपके, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और सुरेश रैना। रोहित शर्मा के बारे में याद रखना, इंडियन क्रिकेट मैंस क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है वो रोहित शर्मा है। इसमें आपसे पूछा है स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया गया मालदीव की गवर्नमेंट के द्वारा, मालदीव की गवर्नमेंट के द्वारा किसे स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया गया है? आपको याद रखना है यह पुरस्कार सुरेश रैना को मिला है। सुरेश रैना एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये IPL में भी खेलते थे CSK के लिए, चेन्नई सुपर किंग के लिए ये IPL में खेलते थे। इनको हाल ही में मालदीव की सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार, जो भी क्रिकेट देखता है सुरेश रैना को इजीली जानता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जी डी बिरला पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया और किस काम के लिए? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। रिसेंटली हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसे हाल ही में GD बिरला पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन से आपके नारायण प्रधान, प्रफुल्ल चंद्र राय, सलीम अली और बिरबल सहनी। किसे हाल ही में GD बिरला पुरस्कार साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया गया, ये ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब बनता है नारायण प्रधान को हाल ही में GD बिरला पुरस्कार दिया गया। GD बिरला पुरस्कार साइंटिफिक रिसर्च के लिए हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो नारायण प्रधान को प्रदान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? किस देश में हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? ऑप्शन से आपके भूटान, म्यांमार, मलेशिया या मेडागास्कर। सही जवाब आपको देना है कि कहाँ पर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। इन विच कंट्री महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज बीन अनवील्ड रिसेंटली? तो देखिए इसका सही जवाब बनता है मेडागास्कर। मेडागास्कर एक अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है, यह बोला जाए तो एक तरीके से द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप है। वहां पर अभी हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? मिस वर्ल्ड 2021 हाल ही में किसे घोषित किया गया है? हु हैज बिकम मिस वर्ल्ड 2021 रिसेंटली? कौन है तो मिस वर्ल्ड 2021 बनी है? आपको सही जवाब देना है किसे अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 घोषित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही जवाब बनता है करोलिना बिलवास्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांस सबसे ज्यादा बनते हैं। करोलिना बिलवास्का को हाल ही में मिस वर्ल्ड घोषित किया गया है। कहाँ की रहने वाली पूछेगा तो आपको याद रखना पोलैंड की रहने वाली। दो चीज़ कम से कम याद होना चाहिए, एक तो नाम पूछेगा किस कंट्री से, तो आपको याद रखना पोलैंड की रहने वाली है, और आपसे पूछेगा नाम क्या है तो करोलिना बिलवास्का। मनासा वाराणसी इंडिया की रहने वाली थी, पर यह इस बार अवार्ड नहीं जीत पाई है। कौन जीता है? करोलिना बिलवास्का, रहने वाली कहाँ की? पोलैंड की, मिस वर्ल्ड बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 75 कौन से नंबर के बाप्टा पुरस्कार? तो 75वें नंबर के बाप्टा पुरस्कार। 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द बाप्टा अवार्ड? 75 नंबर के जो भी हुए है बाप्टा अवार्ड, उसमें किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके द पावर ऑफ डॉग, वेस्ट साइड स्टोरी, आफ्टर लव, किंग रिचर्ड। आपको सही जवाब देना है कि हाल ही में किस फिल्म को बाप्टा अवार्ड, कौन से नंबर के, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है। पूछेगा कौन से नंबर के, तो 75 नंबर के हाल ही में हुए। कहाँ पर हुए? तो लंदन में हुए। अगर पूछता है कहाँ पर ये आयोजित किया गया बाप्टा अवार्ड, तो लंदन में, याद रखना है। कौन से नंबर के थे? 75 नंबर के। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो आपको याद रखना द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इस बाफ्टा अवार्ड में दिया गया। कौन से नंबर के थे? तो 75वें नंबर के थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ICC ने किसे फरवरी 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए किसे चुना है? सही जवाब आपको देना है कि प्लेयर ऑफ द मंथ हाल ही में किस प्लेयर को चुना गया है फरवरी 2022 के लिए। ऋषभ पंत, निरोशन डिकवेला, श्रेयस अय्यर या मिशेल स्वेप्सन। किसे हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो देखिए इसका सही जवाब बनता है श्रेयस अय्यर को फरवरी 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगर आपसे पूछेगा पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया था जब स्टार्ट किया था इसको, तो ऋषभ पंत। प्लेयर ऑफ द मंथ जब से चालू किया गया देना ICC के द्वारा, सबसे पहले किसको दिया गया था? ऋषभ पंत को दिया गया, सबसे पहले ऋषभ पंत को यह अवार्ड दिया गया था। हाल ही में किसको मिला फरवरी 2022 के लिए? तो श्रेयस अय्यर को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, नियुक्त किया गया? एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से आपके चंद्रशेखर, प्रशांत कुमार, अनुव्रत विश्वास या सुमत कटपालिया। सही जवाब देना है कि एयर इंडिया का CEO, आपको पता होगा हाल ही में एयर इंडिया को किसने खरीदा? तो टाटा ने 18,000 करोड़ में इसका अधिग्रहण कर लिया, मतलब खरीद लिया है। 18,000 करोड़ में टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसे हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आपको याद रखना एन चंद्रशेखरन को
टाटा एयर इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है और एयर इंडिया को किसने खरीदा है? टाटा ने। कितने में? 18,000 करोड़। बैंक में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि कितने में अधिग्रहण किया, तो आपको याद रखना 18,000 करोड़ में टाटा ने खरीदा है और अध्यक्ष किसे बनाया? एन चंद्रशेखरन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2022 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2022 में कौन सा व्यक्ति फर्स्ट नंबर पर आया, मतलब सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा? जनरली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। देखिए हमारे यहाँ के मुकेश अंबानी ये 9th नंबर पर रहे हैं। आपसे पूछेगा भारत का सबसे अमीर तो मुकेश अंबानी, और कौन से नंबर पर? 9वें नंबर पर, 9th नंबर पर। अगर विश्व की बात करेंगे तो आपको याद रखना एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के जो मालिक है एलन मस्क, इनको हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट में प्रथम स्थान मिला, मतलब ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। साथ में एक इनकी कंपनी का नाम और याद रखना, स्पेस एक्स कंपनी भी किसकी है, तो आपको याद रखना है एलन मस्क की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है? 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। देखिए 10 मार्च को रिजल्ट आया था चुनाव का, और जस्ट उसके बाद 11 तारीख को नरेंद्र मोदी अगले चुनाव की तैयारी में लग गए थे, 11 मार्च को, और वहीं पर इन्होंने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा अहमदाबाद में। 11 मार्च को नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? अहमदाबाद गए थे, वहाँ पर उनकी रैली थी और वहीं पर उन्होंने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। नंबर याद रखना 11वां, जैसे बाप्टा पुरस्कार पूछेगा तो 75, वैसे इसमें कौन से नंबर का खेल महाकुंभ? 11वें नंबर का। उद्घाटन कहाँ पर किया है? अहमदाबाद में। किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यूविका स्टार्ट किया गया है? यूविका कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया है? यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम यूविका हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्टूडेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके द्वारा यूविका कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? आपसे जनरल ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके माइक्रोसॉफ्ट, इसरो, DRDO या IIT। किसके द्वारा यूवी का कार्यक्रम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको बताना है किसके द्वारा यूवी का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब बनता है इसरो। इसरो के द्वारा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम एक यूवी का नाम से स्टार्ट किया गया है। कार्यक्रम का नाम याद रखना यूवी का। यूवी का स्टार्ट किया गया किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा। इसरो के बारे में कुछ आपको याद रखना है कुछ चीज़ें। इसरो के अध्यक्ष अगर पूछेंगे, इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। और अगर पूछेंगे इसरो की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके पिछले अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवान पिछले अध्यक्ष कौन थे? इनसे पहले कौन थे? के सिवान। अभी कौन है? एस सोमनाथ। स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? एशियन बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किस बैंक को दिया गया? ऑप्शन है आपके HDFC, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। किसको एशियन बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो आपको याद रखना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछता है। 1955 को मनाया गया, 1 जुलाई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को इसका प्रत्येक वर्ष इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिस दिन डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आपको इसमें बताना है कि एशियन बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किस बैंक को दिया गया? तो आपको याद रखना एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक को हाल ही में एशियन बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके CEO पूछेंगे तो याद रखना अमिताभ चौधरी। इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO है। CEO पूछेगा तो अमिताभ चौधरी। किसे दिया गया? एक्सिस बैंक को एशियन बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज कौन सा बना है? गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज हाल ही में कौन बना है? ऑप्शन है आपके MV रामप्रसाद बिस्मिल, MV वाकासियो, जंगी जहाज और ब्लू मार्लिन। MV रामप्रसाद बिस्मिल, MV वाकासियो, जंगी जहाज या ब्लू मार्लिन, कौन सा ऐसा जहाज है जो गंगा से ब्रह्मपुत्र, विच इज द लॉन्गेस्ट शिप दैट गोज फ्रॉम गंगा टू ब्रह्मपुत्र, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। देखिए इसका सही जवाब बनता है MV रामप्रसाद बिस्मिल, एक जहाज का नाम है जो सबसे लंबा जहाज, गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला रहेगा, ये भी याद रखना कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन से आपके कानपुर, गुरुग्राम, जयपुर या देहरादून। कहाँ पर वर्ल्ड पीस सेंटर, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इसका सही जवाब बनता है गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में वर्ल्ड पीस सेंटर, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? तो मंत्रालय का नाम याद रखना ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद का आयोजन किया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद, इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन भी,
किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया है? तो देखिए क्वेश्चन में ये आंसर भी आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री आपसे पूछता है तो याद रखना गिरिराज सिंह। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह, ये बिहार से सांसद है। और राज्य मंत्री पूछेगा तो याद रखना फग्गन सिंह कुलस्ते, ये राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। फग्गन सिंह कुलस्ते ये राज्य मंत्री है ग्रामीण विकास मंत्रालय के। और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह। जेंडर संवाद किसने चालू किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, नाम याद रखना इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर शुरू की गई? इंद्रायणी मेडिसिटी, देखो ये एक इस प्रकार का कैंपस होगा जिसमें सारी बीमारियों का एक ही जगह पर इलाज होगा, सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही जगह पर इलाज होगा, उसको बोलेंगे इंद्रायणी मेडिसिटी। तो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब होता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी कहाँ शुरू किया गया? तो आपको याद रखना पुणे में इसका उद्घाटन किया गया है। पुणे में इंद्रायणी मेडिसिटी का उद्घाटन किया गया है, जहां पर एक ही कैंपस के अंदर सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। और ये भारत का पहला ऐसी सिटी होगी पुणे, जहां पर सभी बीमारियों का एक ही सिटी में एक ही कैंपस के अंदर इलाज हो सकेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पहले GI टैग प्राप्त कश्मीर कालीन को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया गया है? एक तरीके से कश्मीर कालीन मतलब चादर समझ सकते हो तुम्हारी भाषा में, नॉर्मल भाषा में। कश्मीर कालीन को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया गया है? पहली बात तो याद रखना GI टैग मिला है कश्मीर कालीन को, और उसको अभी कौन से देश के लिए रवाना किया गया है? तो आपको याद रखना जर्मनी भेजा गया है। जर्मनी में कश्मीर कालीन को भेजा गया, रवाना किया गया, और उसको क्या मिला? GI टैग प्राप्त है। एक चीज़ और याद रखना, जर्मनी की राजधानी पूछेंगे तो बर्लिन यहाँ की राजधानी है, बर्लिन यहाँ की राजधानी बनती है, बर्लिन इस प्रकार से लिखना, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी पूछेंगे तो बर्लिन क्या भेजा है वहाँ पे? GI टैग प्राप्त कश्मीर कालीन को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस मंडल में किया गया है? कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? मुंबई मंडल, कोलकाता डिवीजन, या आसनसोल, या खड़गपुर? किस डिवीजन में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको याद रखना ये आसनसोल डिवीजन में किया गया। आसनसोल डिवीजन जो है पूर्व मध्य रेलवे का एक डिवीजन है, पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक डिवीजन है, पूर्व मध्य रेलवे का एक डिवीजन है आसनसोल डिवीजन, बंगाल में पड़ता है आसनसोल। वहाँ पे पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछा कौन से जोन में है? तो पूर्व मध्य रेलवे में। और कौन सा डिवीजन है? तो आसनसोल डिवीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए टॉम ऑफ सैंड जो एक अनुवाद है इसको नॉमिनेट किया गया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? टॉम ऑफ सैंड मिला नहीं है बुकर प्राइज, नॉमिनेट किया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है टॉम ऑफ सैंड को, तो ये किसके द्वारा, ये अनुवाद किसके द्वारा लिखा गया है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। किरण देसाई, अरविंद अडिग, अरुंधति राय और गीतांजलि श्री। तो आपको सही जवाब देना है किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए इसका सही जवाब बनता है गीतांजलि श्री के द्वारा टॉम ऑफ सैंड लिखा गया है। और कौन से पुरस्कार के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए इसको नॉमिनेट हाल ही में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन, वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मैंने अभी आपको बताया ये गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 मार्च से 15 मार्च तक कहाँ पर साहित्योत्सव 2022 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो देखिए इसके सही जवाब बनेगा आपका दिल्ली में साहित्योत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी करंट अफेयर के मार्च थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने इसमें डिस्कस करे हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हमने यहाँ पर देखे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपको जो आगे वीडियो आने वाले हैं वो आप उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसकी PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाकर उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।